नमस्कार, वेलकम बैक टू दीप सोलन वन चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो। यस, दैट इज माय इंट्रोडक्शन टुडे। आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो इतना ज़्यादा डिले हो गया। मुझे पहले ही शूट करना था लेकिन कुछ शेड्यूल ऐसा चल रहा था, फिर लास्ट टू वीक से मुझे हे फीवर था तो उसकी वजह से स्नेजिंग बहुत हो रही थी, सोर थ्रोट था, आईज़ बहुत ज़्यादा इच कर रही थी, तो इसलिए भी मैं शूट नहीं कर पाई। बट आज मैंने फाइनली इस वीडियो को शूट किया है क्योंकि इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं कर सकती थी। आप में से कुछ लोग जो है वो हर वीडियो पर पूछ रहे थे कि कब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगी, सो हियर इट इज़। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, ऑल द आईडीज आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई पुट सम पिक्चर्स ओवर देयर, तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग वहाँ भी मुझसे कनेक्ट हों तो एक मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि इंट्रोडक्शन में क्या कवर करूं, क्या ना कवर करूं, क्या बताऊं, क्या ना बताऊं, और इसीलिए मैंने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा भी था कि मुझे जो है आप बताएं कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं और सजेस्ट भी किया है कि आगे फ्यूचर में मैं क्या प्लानिंग करूँ, और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगा कि शायद एक टॉक सीरीज शुरू करनी चाहिए। तो क्योंकि ऐसे ही कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जैसे किसी ने पूछा था कि लड़कियां जब अब्रॉड में आती हैं शादियों के तो कैसे घर को मैनेज करें, तो वो एक लाइन में डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो सोच रही हूँ कि एक टॉक सीरीज शुरू करूँ और एक टॉपिक को लेकर उस पर बात करूँ। इवन दो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मे बी उसमें से कुछ आपको टिप्स पता चल जाए, कुछ एक बात जो भी मैं 100,000 जितनी भी मैं बातें करूँगी उनमें से अगर एक बात भी आपके काम आ जाएगी तो वो वीडियो जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो बस यही सोच रही हूँ कि एक टॉक सीरीज शुरू करेंगे और उसमें वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगी। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, और सबसे पहले कि व्हाट इज़ माय नेम, वेयर आई बिलोंग टू और फैमिली बैकग्राउंड। तो मेरा नाम है दीपिका राणा और मैं इंडिया के वेस्टर्न यूपी के बहुत छोटे से टाउन देवबंद से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक जाट फैमिली से हूँ। फैमिली में मम्मी पापा, हम दो बहनें और एक भैया हैं। भैया सबसे बड़े हैं, फिर दीदी हैं, फिर मैं हूँ, और काफ़ी एज डिफरेंस है हम तीनों में। भैया मुझसे 15 साल बड़े हैं, दीदी मुझसे 10 साल बड़ी हैं, और दीदी इज़ लाइक ए सेकेंड मम टू मी, क्योंकि जो बात मम्मी से नहीं कर पाती थी वो दीदी से हो जाती थी। एक एज डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि हमेशा बहुत ही केयरिंग रही है, कभी लड़ाई झगड़ा भाई बहनों के बीच में जो होता है वो तो कभी हुआ ही नहीं। तो बहुत केयरिंग सा एटमॉस्फेयर रहा है घर में, और आज तक भी हर चीज़ में दीदी ने बहुत सपोर्ट किया है एंड आई लव हर सो मच, आई कांट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं कभी मम्मी के पास सोई हूँ, जब से मुझे याद है मैं दीदी के साथ ही सोई हूँ। और तब दीदी की शादी हुई थी, आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, 8th क्लास में पढ़ रही थी मैं। तो आई वॉज रियली एंग्री विद माई जीजा जी, के इसलिए नहीं था कि दीदी जा रही है शादी, और इतना तो कुछ नहीं पता था, बेवकूफ़ टाइप्स के ही बच्चे थे हम। तो आजकल तो बच्चे 5th 6th में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, हम तो ऐसे ही थे। तो उनसे गुस्सा थी बहुत ज़्यादा कि अब मैं किसके पास आऊँगी, वो मेरी दीदी को लेकर जा रहे हैं। और शुरू में लोग बोलते थे कि ये इसलिए बात नहीं करती है क्योंकि इसे शर्म आती है। मुझे शर्म वरम कुछ नहीं आती थी, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता था कि वो मेरी दीदी को लेकर चले गए। सो दैट्स द अदर टॉपिक। तो दीदी, भैया और मैम, भैया मेरे हैंडीकैप्ड हैं तो वो कोई जॉब नहीं करते हैं, और इट्स रियली चैलेंजिंग इन दैट कंट्री के घर का एक लड़का है और वो कुछ नहीं करता। बट कभी आगे बात करूँगी उस बात में, लेकिन ही इज़ रियली सपोर्टिव। वो बाकी घर के और कामों में बहुत हेल्प करते हैं, कोई बिल जमा करना है, बच्चों के स्कूल में कुछ काम है, वट एवर, ही इज़ ऑलवेज देयर।
फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है. भाभी मेरी ब्यूटीशियन है और पापा जो है मेरे वो रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर हैं. मम्मी मेरी एब्सोल्यूट जो बहुत अच्छे वाली होम मेकर हैं और सब कुछ उन्हीं से सीखा है. दीदी मेरी गवर्नमेंट टीचर हैं और जीजा जी जो हैं मेरे वो कस्टम इंस्पेक्टर हैं. तो ये फैमिली बैकग्राउंड है. इसके बाद आती हूँ ससुराल की तरफ. तो जो ससुराल है मेरी वो प्रॉपर एक गांव है और वही गायें भैंस है, एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मिंग होती है. और ससुर जी मेरे फार्मर हैं पापा, और मम्मी जो है वो भी होम मेकर हैं, और मेरे हस्बैंड और भी तीन भाई बहन हैं. उनके यहाँ सबसे बड़ी दीदी हैं, फिर भैया हैं और फिर मेरे हस्बैंड हैं. और मैं अपने घर में भी सबसे छोटी हूँ और मेरी ससुराल में भी सबसे छोटी हूँ. तो सबसे छोटे होने का फ़ायदा यही है कि आपको लाड प्यार बहुत मिलता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग होते हैं घर में सब कुछ करने के लिए. लेकिन इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है, जो ड्रॉबैक है, कि जब आप शादी करके बाहर निकलते हैं और आपको कुछ भी पता नहीं होता कि करना क्या है. तो मेरी सारी लड़कियों से जो अपने घर में छोटी हैं और जो नहीं सीख रही हैं, तो प्लीज़ सीखें. आपको कुछ नहीं पता कि लाइफ में क्या स्टेप आ जाएगा और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी. तो बेटर लर्न, मैं नहीं कहती कि हाँ बिल्कुल काम करना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट लर्न के क्या चीज़ कैसे होती है. और हस्बैंड जो है मेरे वो 12th के बाद मोस्टली बाहर ही रहे हैं. और यस, वो बाहर ही रहे हैं, कभी हॉस्टल में रहे हैं या रूम में रहे हैं, तो वो बाहर ही रहे हैं, गाँव में इतना नहीं रहे हैं. मेरे मम्मी पापा जो हैं वो भी दोनों गांव से ही बिलोंग करते हैं, और जो मोस्टली रिश्तेदारियाँ हैं जैसे बुआ हुए, मामा है, ये सब सभी गांव से हैं. बच्चे तो अब सबके बाहर निकल गए हैं शहरों में, बट जो बेसिक रिश्तेदारियाँ हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब गांव में हैं. इवन तो मैं इतना ज़्यादा नहीं रही हूँ गाँव में, कभी छुट्टियाँ होती थी तो 2-4 दिन के लिए ही चले गए. और मैं और मेरी दीदी भी बोथ आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन देवबंद, तो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन भी वहीं हुई है. कॉलेज के लिए फिर हम लोग बाहर निकले. और हस्बैंड के ऊपर आऊँ तो ही इज़ अ लेक्चरर हियर इन द यूनिवर्सिटी नाउ. और यह दैट्स अबाउट ऑल फैमिली एंड द फैमिली बैकग्राउंड. अब बात आती है मेरी एजुकेशन की और मेरी जॉब्स की. तो मैंने मास्टर्स किया है फिज़िक्स में, एमएससी फिज़िक्स हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है. और मेरा एमएससी का रिज़ल्ट भी नहीं आया था कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई थी, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. और मेरे लिए वो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मुझे गेट की तैयारी करनी थी. अगर कोई यहाँ साइंस बैकग्राउंड से मुझे देख रहा है तो उनको पता होगा कि गेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है IIT में एंट्री करने के लिए. तो मुझे उसकी तैयारी करनी थी और उसके लिए दिल्ली में कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी था, वहीं पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के नाते मैं नहीं चाहती थी कि पापा 1-1.5 लाख रुपया जो है वो खर्च करें इन केस अगर मेरा नहीं होता है सिलेक्शन, तो वो सारे पैसे जो हैं वो वेस्ट ही जाएंगे. इवन दो वो कुछ भी करके वो करते, लेकिन मैंने नहीं बोला उनको और मैं नहीं चाहती थी कि वो इतना सब कुछ करें. तो जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ठीक है, अब एटलीस्ट मैं अपना खर्चा खुद से निकाल लूँगी, पापा के ऊपर बर्डन नहीं आएगा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 हज़ार रुपया महीना का अगर ज़रूरत हुई तो दैट्स नथिंग, तो वो हो सकता है. तो मैंने वहाँ रहकर गेट की तैयारी भी की, लेकिन फैमिली में कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हुए, कुछ इस तरह का हादसा हुआ कि मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई. और उस इंसिडेंस के बाद मेरा शायद पढ़ाई से भी मन हट गया. मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मोर जो मेरा बिल्कुल डाइवर्ट हो गई थी कि हाँ मुझे जॉब करनी है और अच्छी जॉब करनी है. और क्या हुआ था वो फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी. तो वो एक चीज़ मैंने प्लान की थी और वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मैं बस जॉब की तरफ आई और पढ़ाई मैंने वही सिर्फ MSc फिज़िक्स ही होकर मैं रह गई. और जो कंपनी है हमारी जिसमें मैं जॉब करती थी, इवन अभी भी मैं करती हूँ उनके लिए काम, तो वो बेसिकली एक साइंटिफिक कंपनी है जो इंडिया के बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे आपका IIT हुआ, DRDO हुआ या CSIR हुआ और इसरो है, इन सब में रिसर्च के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सप्लाई करती है. और मैन्युफैक्चरर नहीं है वो कंपनी, सारे जितने भी सिस्टम्स आते हैं वो अब्रॉड से आते हैं, हम सिर्फ वहाँ पर उनको रीसेल करते हैं.
तो मेरा जो काम था, मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव वहाँ पर अपॉइंट हुई थी, तो मेरा काम था कोटेशंस बनाना, सिस्टम्स के बारे में कस्टमर से बात करना कि दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल है, कि इस तरह से ये काम करता है, और मैं लेज़र सेक्शन में थी, तो वो सब मैं बताती थी वहाँ पे। और आज उसी कंपनी में मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ। तब हम लोग यूके आए थे तो मैंने रेजिग्नेशन दिया उन लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा कि गो देयर एंड ट्राई टू वर्क ऑनलाइन फॉर अस, कोटेशंस बनाओ, प्रेजेंटेशंस तैयार करो, कस्टमर्स से बात करो। तो आई डिड दैट। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ आने का रहा कि मेरी जो टाइमिंग थी वो यूरोप, यूके और यूएस ऑफिसेस के साथ मैच करती थी, तो यहाँ आने के बाद काफ़ी जो है मैं सपोर्ट कर पाई उस कंपनी को। एंड आई थिंक जुलाई 2007 में मैंने ज्वाइन किया था, एंड इट्स 2018, दैट कंपनी इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जब टाइम मिलता है तब करती हूँ, बट एटलीस्ट 2-3 घंटा मुझे देना पड़ता है, और मेरा अपने सब्जेक्ट से जो है वो टच है इस जॉब के ज़रिए, कि हाँ मैं अपने फिजिक्स पढ़ती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करती हूँ, एवरीथिंग। तो सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ आने के बाद आया कि अब मैं कस्टमर विजिट्स पर नहीं जाती, मैं मिल नहीं पाती कस्टमर से, इवन दो फ़ोन वगैरह पे बात होती है। तो दैट्स माय साइंटिफिक साइड ऑफ माय जॉब। इसके बाद जब यहाँ आकर मेरी बेटी हुई, फिर आई थिंक 3-3.5 साल की थी, तब उसने नर्सरी जाना शुरू किया, तो वो ऑफिस का काम जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी करने के बाद मुझे थोड़ा टाइम बच जाता था, एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु कांट सिट डाउन एंड रिलैक्स। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खाली बैठती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचती हूँ कि उसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैंने सोचा कि चलो, और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ यहाँ के लिए। तो मैंने अप्लाई किया, 1-2 जगह अप्लाई किया, और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया, एंड आई क्रैक्ड इट माई फर्स्ट वन। और एक यूके का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है जिसमें मैं कस्टमर सर्विसेज में हूँ और एज ए सुपरवाइजर वहाँ पर काम कर रही हूँ, और वीक में 15 आवर्स अ वीक है मेरा, 3 दिन मैं जाती हूँ वहाँ पर, और कभी कभी ओवर टाइम होता है, कुछ इमरजेंसी शिफ्ट लग जाती हैं, एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज आई कांट टेक द नेम, लेकिन दैट्स द रिटेल थिंग। और तो वो भी बहुत अच्छा है, और घर में बैठे बैठे मैं परेशान भी हो गई थी सच बताऊँ तो। ऑफिस का काम कर लेती थी, फिर बेटी को संभाल लिया, तो बिल्कुल बाउंड होके रह गई थी, कोई सोशल लाइफ नहीं रह गई थी। अब एटलीस्ट बाहर निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, नए नए लोगों से बात होती है, एक अपना एटमॉस्फेयर, एक वर्क स्पेस बना है, तो इट्स गुड। भले ही वो 15 आवर्स हैं, बट एटलीस्ट पार्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि फुल टाइम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इंडिया वाली जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, बच्चे को भी देखना है, तो फुल टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एंड आई एम रियली हैप्पी इन दिस थिंग। तो ये थी मेरी जॉब्स। उसके बाद कि मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया और क्यों मेरे चैनल का नाम ये है, तो दीप्स ऑल इन वन चैनल, दीप फॉर श्योर शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई नेम। ऑल इन वन इसलिए कि ये जो चैनल है ये किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है, कोई किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट कुकिंग, क्लीनिंग या ब्लॉगिंग, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं इसमें। और नियर फ्यूचर जो है आप इसमें होम रेमेडीज़ भी देखेंगे, हेयर केयर के लिए या फिर स्किन केयर के लिए, तो ये वो एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिस पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी, विच आई विल ट्राई टू, आई एम नॉट, कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो भी मुझे पता है, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं इस लाइफ में, कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट भी मिले। इसके बाद क्यों मैंने शुरू किया, तो शायद मैंने एक अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ये जो चैनल था इसका मेन मोटिव था कि मैं अपनी मम्मी को अपनी लाइफ यहाँ की जो है वो दिखा सकूँ। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, मेरे पापा भी हार्ट पेशेंट हैं, तो वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा डर है, और मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करती उनको कि आप आए मेरे पास। सो एक एज है उनकी, तो उसमें ना फोर्स कर सकते हैं, बाय चांस उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आई कांट बीयर दैट, तो इट्स बेटर। तो ये एक मैंने वे ढूंढा करने का। और अगर आप इस चैनल का जो फाउंडेशन डेट देखेंगे तो वो 2015 की है,
उस टाइम पर मैंने प्लान किया था कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी, कैमरा, ट्राइपॉड, एवरीथिंग सब कुछ तैयार था. लेकिन सडनली कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यू हुआ कि मैं उस चीज़ को जो है नहीं कर पाई इम्प्लाई, तो वो चैनल वहीं का वहीं रह गया. और जो पहली वीडियो अपलोड हुई वो जनवरी 2018 में हुई है. तो ऑलमोस्ट तीन साल का गैप रहा है चैनल के बारे में सोचने से लेकर इम्प्लाई होने तक. तो ये दूसरी चीज़ थी कि मैंने कुछ प्लान किया और नहीं कर पाई. तो अब मैंने जो लाइफ के लिए प्लानिंग है वो बिल्कुल छोड़ दी है. जो भी आता है, जैसे आता है, आई जस्ट टेक इट. तो प्लानिंग बिल्कुल छोड़ दी है. और एक बार ऐसा भी हुआ था जब मेरी बेटी अराउंड 9 months की थी, तो मैंने एक यहाँ की काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही नॉर्मली एप्लीकेशन डाल दिया PhD का, और मुझे PhD मिल गई. और मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रेज्यूमे नहीं बनाया था, सिंपल सा था बिल्कुल. और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी. लेकिन जैसे ही मुझे वहाँ से ऑफर लेटर आया, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो वो चांस भी मिस हो गया लाइफ का. और तीन इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं लाइफ में कि मैंने कुछ प्लान किया है, कुछ करने की सोची है, और तीनों बार ही इस तरह का हुआ है कि कोई ना कोई इतना ज़्यादा बीमार हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई है. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ उस चीज़ से. तो अब मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करती हूँ. तो जो भी लाइफ में आता जाता है, आई एम जस्ट गोना टेक इट. तो Yeah, that's about channel. इसके बाद आप लोगों के कुछ जो questions थे वो कि मेरी childhood pictures, तो जितनी भी सारी pictures हैं वो इंडिया में हैं. तो जब next time मैं इंडिया जाऊँगी तो या तो वहाँ से शो करूँगी या लेकर आऊँगी, whatever, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी. और हम UK में ही बसने वाले हैं या वापस इंडिया जाने वाले हैं, तो सेम थिंग, आई एम नॉट गोना प्लान अबाउट दैट. आई डोंट नो कि क्या होगा. इवन दो हम लोगों को 8 years यहाँ हो गए हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर आए थे वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे. मेरे जो हस्बैंड थे वो PhD के लिए यहाँ आए थे, और आई थिंक 4.5 years हम लोग स्टूडेंट वीज़ा पर थे यहाँ पर. और जो स्टूडेंट वीज़ा है वो सिटीजनशिप के लिए काउंट नहीं होता है. वर्क परमिट पर अगर आप 5 साल हैं, 5 साल से ज़्यादा हैं, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. If not citizenship, that's called PR, permanent residence के लिए apply कर सकते हैं. तो उस work permit पर अभी हमें 3.5 years ही हुए हैं, और हमारा visa next year जो है वो expire होगा. And we don't know कि वो extend होगा नहीं होगा, so everything will decide that कि हम लोग यहाँ रहेंगे या वापस जाएंगे. बस एक चीज़ है दिमाग में कि what I feel for India, कि दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही जो सबसे पहली फीलिंग आती है और मुँह से निकलता है कि वी आर होम. सेम थिंग जब हम लोग बैक यहाँ पर घर आते हैं तो मेरी बेटी उतरते ही बोलती है, मामा नाउ वी आर होम. तो जो मुझे इंडिया के लिए फीलिंग है, मेरे हस्बैंड को इंडिया के लिए फीलिंग है, मेरी बेटी को वो फीलिंग यहाँ के लिए, क्योंकि वो यहाँ पली बड़ी है, यहाँ पर उसके फ्रेंड्स हैं. तो आई डोंट नो, इवन अभी छोटी है, जो भी कुछ होगा वो एक्सेप्ट कर लेगी. लेकिन आई डोंट नो कि सही होगा या गलत होगा. It's everything on future. भगवान के हाथों है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. इसके बाद ये था कि बहुत से लोग पूछते थे कि आपकी जो लैंग्वेज है, आप मुस्लिम नहीं है लेकिन आपकी लैंग्वेज में उर्दू का बहुत ज़्यादा टच है. तो मैं बताऊं कि जिस शहर से, टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर 50-50 कम्युनिटी है हिंदू मुस्लिम की. तो स्कूल में और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, सर्किल है, उसमें काफ़ी मुस्लिम्स हैं. और बच्चा जिस माहौल में पलता बढ़ता है वही लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करता है. तो जो फ्रेंड्स हैं काफ़ी मुस्लिम थे, वो लोग उर्दू बोलते थे, तो बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो मैं उर्दू के ही बोलती हूँ. तो इसीलिए मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा उर्दू का टच है. और एक बात और बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड का गांव है वो UP और हरियाणा के बॉर्डर के पास है, तो उनकी तरफ मोस्टली जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी बोली जाती है. और तब मैं शादी होके गई थी वहाँ पर, लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आता था. आधी बातें समझ आती थी, आधी सिर के ऊपर से जाती थी, और मैं बस हंस देती थी. अब 9 साल हो गए हैं तो एटलीस्ट समझ में आनी शुरू हो गई है, बट मैं उनकी तरह बोल नहीं पाती हूँ. बट हरियाणवी इज़ ए रियली ऑसम लैंग्वेज. वो लोग नॉर्मली भी बात करें ना तो भी ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
और बहुत हंसी आती है. तो यस, दैट इज आई थिंक ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन. फैमिली के बारे में बता दिया मैंने आपको, जॉब्स के बारे में बता दिया, एजुकेशन के बारे में बता दिया. तो यही सब था मेरा इंट्रोडक्शन. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी सारी क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म हो गई होगी. और इसके अलावा जो आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं टॉपिक्स, उनके बारे में मैं बात करूंगी. जैसे कि थायराइड के बारे में, तो मुझे 3 बीमारियां हैं, थायराइड है, साइनस है, कार्पल टनल सिंड्रोम है. तो मैं एक टॉपिक ये लेकर बीमारियों वाला, इस पर डिटेल्ड बात करूंगी. और शायद उसी में मैं फैट शेमिंग के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि जो थायराइड का पेशेंट है, जो हाइपोथायराइड का पेशेंट है, उसका वेट बढ़ता है. और लोगों को रियलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटे हैं, आपको खुद से पता है कि आप मोटे हैं, बट यू कांट हेल्प इट. तो शायद उस टॉपिक के बारे में भी बात करूंगी. इसके बाद के कैसे मैं मैनेज करती हूँ घर को, ऑफिस को और अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एक ये टॉपिक होगा. तो इसी तरह के 4-5 टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी. सो यह दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, या कुछ समझ में ना आया हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए. एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू लव इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट. आप लोगों का सपोर्ट इट्स रियली रियली नेसेसरी फॉर मी. ये छोटा सा चैनल था और बैड टाइम भी देखे हैं इस चैनल ने. जनवरी से लेकर आई थिंक मार्च तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए उन्हें 200-300 व्यू इस तरह के आते थे और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे. लेकिन मैंने हार नहीं मानी, एक कंटिन्यूटी रखी कि एक दिन तो मेरा आएगा. और अप्रैल से जो था वो, और ये कहूँ कि मेरी एनिवर्सरी वाले दिन से जो था वो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हुए. एंड टच वुड, थैंक गॉड, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और कमेंट करते रहिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्या पता उनको भी कुछ काम आ जाए. सो ये फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप सोलन वन चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. नमस्कार.